हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इस पार्ट में हम हेक्शर ओहलिन थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एली हेक्शर और बर्टिल ओहलिन ने रिकार्डियन थ्योरी के आगे काम किया है। रिकार्डियन थ्योरी जो काम करती थी कंपेरेटिव कॉस्ट के बेसिस पर, उन्होंने ये बताया है कि कंपेरेटिव कॉस्ट में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ रिकार्डियो ने नहीं समझाई थी, लेकिन हेक्शर ओहलिन ने समझाई है। यानी कि रिकार्डियन थ्योरी जहाँ खत्म होती है वहाँ पर ओहलिन की थ्योरी स्टार्ट होती है। इन्होंने एक कंटिन्यूएशन दिया है, ना कि उसको नकारा है। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं जब हम कंपेरेटिव कॉस्टिंग करेंगे? अगर आप लोगों ने कंपेरेटिव कॉस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। कंपेरेटिव कॉस्ट दो प्रकार की हैं, एक क्लासिकल और एक अपॉर्चुनिटी वाली, तो दोनों देख लीजिएगा। तो डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैक्टर की मोबिलिटी और इमोबिलिटी पर डिफरेंस हो सकता है, दोनों देश के मॉनेटरी सिस्टम में, उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, उनके बीच के डिस्टेंसेस में, और उनके जो मार्केट्स हैं या गुड्स का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है। सोशियो पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंस होते हैं, लोग अलग अलग होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग फैक्टर के प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप उसकी कॉस्टिंग कैसे करोगे। तो हेक्शर ओहलिन ने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि हम उस डिफरेंस को कैसे पकड़ें और उस पर काम करें और थ्योरी को और आगे बढ़ाएं, यानी उसको सप्लीमेंट करें, ना कि सप्लेंट करें। सप्लेंट यानी डिस्प्लेस, उसको अलग करके अपनी थ्योरी दे दी, ऐसा नहीं किया उन्होंने, उसको सप्लीमेंट किया है, उसके आगे बढ़े। थ्योरी पर आते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझ लें कि सपोज वर्ल्ड के अलग अलग देश हैं और हर देश में लैंड लेबर मशीन होता है, लेकिन सभी लैंड लेबर मशीन एक जैसे नहीं होते। कहीं पर कुछ प्राइस होता है उन फैक्टर्स का, कहीं पर कुछ प्राइस होता है, कहीं पर सस्ता होता है, कहीं पर महंगा होता है। तो ये सारी प्राइजेस कैसे पता लगेंगी, कहाँ पर कैसी हैं, और इन्हीं के प्राइजेस के बेसिस पर जब इनसे प्रोडक्ट बनेगा तो वो महंगा सस्ता होगा। इंडिया में लेबर सस्ता है, अमेरिका में कैपिटल सस्ता है, चाइना में भी लेबर सस्ता है। तो कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो कंट्री किस चीज़ में ज़्यादा एबंडेंट है, यानी कौन सी चीज़ उस कंट्री में ज़्यादा है। तो डिफरेंसेस किस में है? फैक्टर एंडोमेंट्स में। फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब वही फैक्टर्स की जो वैल्यू है या उनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग है सब जगह। एक थ्योरी भी है, एक फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, फिर कभी करेंगे वो। तो इसकी वजह से अलग अलग उनकी कॉस्टिंग हो जाती है और उनकी फैक्टर प्राइजेस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये अलग अलग कंट्रीज का भी होता है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग प्राइजेस, और इसी की वजह से उनकी जो कमोडिटीज़ हैं यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके द्वारा, उनकी प्राइजेस में भी डिफरेंस आता है। फिर आप कॉस्टिंग करोगे कैसे? इस पर आने से पहले हम लोग एजम्पशन देख लें क्या क्या इन्होंने किया है। देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, देयर आर टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल। दो गुड्स हैं एक्स और वाई, वाई लेबर इंटेंसिव है, एक्स कैपिटल इंटेंसिव है। यानी एक्स बनाया जाता है जहाँ कैपिटल बहुत लगता हो, वाई लेबर की वजह से बनता है। एग्जाम्पल जैसे कि कपड़े बनाना हो, क्लोथ्स, तो वाई क्लोथ जो है वो लेबर इंटेंसिव हो गया, कपड़ों को बनाने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और कैपिटल इंटेंसिव, कोई मशीन बनानी हो उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। सपोज एक हवाई जहाज़ बनाना हो, शिप बनानी हो, लोग तो लगेंगे, लेबर तो लगेगा, मगर उससे कई गुना ज़्यादा कैपिटल लगेगा। कंट्री बी इज़ लेबर अबंडेंट और कंट्री ए इज़ कैपिटल रिच। ठीक है, हमने ऐसा लिया है। देर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है कमोडिटी में भी और फैक्टर मार्केट्स में भी। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट फंक्शंस, ऑल प्रोडक्शन फंक्शंस आर होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री, हेंस देर आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये पॉइंट थोड़ा सा अगर आप लोगों ने कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं समझा होगा तो नहीं आएगा समझ में, लेकिन इतना समझ लीजिए। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जितना हम इनपुट डालेंगे उसी लेवल पे आउटपुट आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, फर्स्ट डिग्री का ये कहलाता है। देर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और अदर इम्पिडिमेंट्स टू ट्रेड। ठीक है, डिमांड कंडीशंस आर आइडेंटिकल इन बोथ दी कंट्रीज। अच्छा, मतलब दोनों कंट्रीज में डिमांड एक जैसी है।
ये तो ड्रॉबैक भी लग रहा है। खैर, रिलेटिव फैक्टर अबेंडेंस का मतलब ही है कि जो फैक्टर जिस कंट्री में ज़्यादा होगा वो वाला प्रोडक्ट बनाएगी। ओके, तो अबेंडेंस को नापेंगे कैसे? एक तो फिजिकल तरीके से, एक प्राइस के तरीके से। हम प्राइसिंग करेंगे उस फैक्टर की, या फिजिकली नापेंगे कि उससे हम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइसिंग करें। दो कंट्रीज हैं, ए और बी। ए है कैपिटल अबेंडेंस और बी है लेबर अबेंडेंस, यानी कि ए में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, बी के पास लेबर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कैपिटल कहाँ ज़्यादा है? ए में, इसलिए यहाँ पर अपन ने बड़ा साइन लगा दिया। और बी के पास कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है, तो बी छोटा हो गया, फ्रैक्शन वाइज छोटा हो गया। लेकिन अगर हम प्राइस देखें कैपिटल की, तो जहाँ कैपिटल ज़्यादा है वहाँ कैपिटल की प्राइस कम होगी, कैपिटल सस्ता होगा। जहाँ पर लेबर ज़्यादा है वहाँ लेबर की प्राइस कम होगी, लेबर सस्ता होगा। तो प्राइस के रिस्पेक्ट में बी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने अभी प्राइस लेबर की नीचे रखी है। अगर हम इसको पलटा दें, पी एल ऊपर ले लें, पी के नीचे ले लें, तो ये साइन भी पलट जाएगा। इसको क्लियर कर लीजिएगा माइंड में अपने। एक चीज़ और समझ लीजिए, आइसो क्वांट क्या होता है। वैसे इन डिफरेंस कर में मैंने इसको बताया है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। सपोज चार कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल के, ए बी सी डी। और लेबर पहले कॉम्बिनेशन में 5 लिया और कैपिटल लिया 9, इनको मिलाया और इनसे निकाले प्रोडक्ट कितने? 100। उसके बाद हमने लेबर और बढ़ा दिए, कैपिटल कम कर दिया, और इस कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास प्रोडक्ट कितने बने? 100। ऐसे ही 15 और 4 का भी 100 बना, और 20 और 3 का भी 100 बना। तो ये जो 100 100 100 100 बन रहे हैं, ए बी सी डी, दैट इज द पॉइंट ऑफ आइसो क्वांट। इन सबको जोड़ दोगे तो आइसो क्वांट बन जाएगा। आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट मतलब क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी आ रही है ना, 100 100 100 100, अलग अलग लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन पे जब एक जैसा आउटपुट आए उसको बोलते हैं आइसो क्वांट। ठीक है, अब सपोज अब हम इस थ्योरी में आते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है। ये हमने हॉरिजॉन्टल पे लेबर ले लिया है और वर्टिकल पे कैपिटल ले लिया है। दो आइसो क्वांट हम बना रहे हैं, एक है प्रोडक्ट एक्स का और एक है प्रोडक्ट वाई का। ये दोनों एक जगह कट भी हो रहे हैं। अब इसमें ये तो अलग ही समझ में आ रहा है कि ये वाला आइसो क्वांट ऊपर है, ये वाला नीचे है। तो ये ऊपर है तो किसके पास है? कैपिटल के पास है, यानी एक्स कैपिटल अबेंडेंट है। यहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट को बनाने में कैपिटल ज़्यादा लगता है, और वाई के लिए लेबर ज़्यादा चाहिए पड़ता है। तो इन दोनों से ये क्लियर हो गया है कि ये कैपिटल अबेंडेंट है और ये लेबर अबेंडेंट है। अब मान लो कंट्री ए एक्स बनाती है, तो उसकी जो प्राइसिंग होगी दोनों प्रोडक्ट के लिए वो यहाँ से कट हो रही है। इन दोनों आइसो क्वांट को जहाँ वो टेंजेंशियल है, पी ए कहाँ कहाँ है? ई और डी पे। यानी ये वो प्राइस होगी किसके लिए? एक्स के लिए, जो कंट्री ए लगा सकती है, और ये वो प्राइस होगी कंट्री ए के लिए जो वो लगा सकती है प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए, अगर वो बनाएगी वाई। तो ये हो गया ए का। अब निकालते हैं बी का। बी कंट्री है लेबर ओरिएंटेड, और उसका ग्राफ इस तरीके से बना, P1B। ये कहाँ टच हो रहा है? वाई वाई पे, जी पे, यानी कि इस प्राइस पे वो वाई बना सकता है। लेकिन अगर उसको एक्स बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? हम इसके पैरेलल एक और लाइन बनाते हैं, यहाँ से कट हो रही है, टी क्यू बोल दिया उसको हमने, टी क्यू। तो ये एल पे कट हो रही है, यानी इस पॉइंट पे वो एक्स भी बना सकता है। उसके पास ऑप्शन एक्स का भी है, वाई का भी है, पर वाई के लिए कॉस्टिंग ये है, एक्स के लिए ये है। जो भी उसके लिए सस्ता होगा वो बनाएगा। अब अगर हम देखें इस ई पॉइंट के लिए और डी पॉइंट के लिए, ये दोनों ही प्राइसिंग किसकी है? ए कंट्री की। मगर इस पॉइंट पे उसको कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, और कैपिटल उसके पास सस्ता है, और लेबर कम लग रही है उसको, क्योंकि लेबर उसके पास महंगी है। मगर इस डी पॉइंट पे उसको कैपिटल कम लग रहा है और लेबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और जो चीज़ ज़्यादा लग रही है और उसके पास है भी नहीं, तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा इसको, इसलिए वो डी को ऑप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम बी के लिए देखें, तो एल और जी ये दो पॉइंट हैं। एल के लिए उसको कैपिटल बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा जो उसके पास नहीं है, लेबर तो है ही उसके पास सस्ता, लेकिन अगर वो जी बनाएगा तो कैपिटल कम लगेगा और लेबर तो कम उसको लग ही रहा है, चाहे जितना ले ले वो। तो जी उसके लिए अच्छा हुआ, यानी कि कंट्री बी बनाएगी वाई और कंट्री ए बनाएगी एक्स। इसको ऐसा समझिए कि अगर ये एक्स बनाती है कंट्री ए, तो
तो उसको इतना कैपिटल और इतना लेबर लगता है, और कंट्री बी अगर बनाती है एक्स तो क्या लगेगा उसको, इतना लेबर और इतना सारा कैपिटल। ऐसे ही अगर कंट्री ए वाई बनाती है तो उसको लेबर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कैपिटल तो थोड़ा ही लगेगा और कैपिटल उसके पास सस्ता भी है। ऐसे ही अगर हम ये देखें, इसमें लेबर ज़्यादा लग रहा है और कैपिटल कम लग रहा है, बी कंट्री जब वाई बनाती है तो उसके लिए ये अच्छा है और ए के लिए ये वाला अच्छा है, ये पॉइंट ए के लिए अच्छा है, ये पॉइंट बी के लिए अच्छा है, तो ए बनाएगी एक्स, बी बनाएगी वाई। देखिए कॉस्टिंग हो गई, इन लोगों की कॉस्टिंग हो गई, जो कैपिटल अबंडेंट था, लेबर अबंडेंट था। हैट्स ऑफ टू ओलिन, क्या बढ़िया इन्होंने, कैसे होते होंगे इनके माइंड कि वो इतना अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग तो बस उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उस तरफ जाकर सोचने की भी बुद्धि होती होगी किसी की जो ये सब बनाता है, हैट्स ऑफ टू देम। तो इसमें देखिए कॉस्टिंग पता लग गई, कैपिटल अबंडेंट है, इस लाइन से पता लग गया कि कौन सी वो पर्टिकुलर कॉस्ट होगी जिस पर हम प्रोडक्ट बनाएंगे एक्स, इतने ही हमारी क्षमता है। ऐसे ही इसमें भी इतनी हमारी क्षमता है। इसको अगर फिजिकल क्राइटेरिया से देखें तो जैसा मैंने बताया, जहाँ कैपिटल ज़्यादा है वो इस तरीके से लिखेंगे और प्राइस ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, मगर इसको हम एक टेबुलेशन से भी कोशिश करेंगे समझने की। जैसे कि कंपेयर करना है फैक्टर प्राइस दो रीजन का डिफरेंट करेंसीज के हिसाब से, यानी कि दो रीजन लिए हैं उनके करेंसीज भी अलग अलग हैं। फैक्टर प्राइस फॉर यूनिट इन रीजन, सपोज दो रीजन है बी और ए, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 कॉलम है ये, ओके। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या लिए, चार प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, पी क्यू आर एस, यानी कि अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे काम हो सकता है, ओके। रीजन बी के कॉस्टिंग दे दी गई है, ए की दे दी गई है प्राइस, और ये ए की प्राइस है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको समझते हैं पहले, सपोज ये रीजन बी है, बी रीजन है हमारा इंडिया और ए रीजन है आपका अमेरिका, तो पी फैक्टर कितने का है इंडिया में, 8 रुपए का, और अमेरिका में 1 डॉलर का। ऐसे क्यू फैक्टर हमारे यहाँ है 12 रुपए का और अमेरिका में है 2 डॉलर का। ऐसे ही आर फैक्टर हमारे यहाँ 14 रुपए का है और वहाँ है 3 डॉलर का, एस फैक्टर हमारे यहाँ 18 रुपए का है और वहाँ है 4 डॉलर का, ये उनकी प्राइसिंग है। और अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हम माने कि 1 डॉलर 5 रुपए के बराबर है, तो पहले हमको ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करते हैं, 1 डॉलर कितने के बराबर हो गया, 5 रुपए के बराबर, 2 डॉलर 10 के, 3 डॉलर 15 के, 4 डॉलर 20 के। तो अगर हम देखें पी, अब ये हो गया ए, ठीक है, ये फोर्थ वाला कॉलम ए हो गया और सेकंड वाला कॉलम बी है, तो 8 और 5 में से छोटा कौन है, 5 छोटा है, तो ए बनाएगा पी, ऐसे ही ए बनाएगा क्यू, लेकिन बी बनाएगा आर और एस, क्योंकि इसमें इसकी कॉस्टिंग कम लग रही है। इससे ये क्लियर हो गया। और जब हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया था तो ऐसा लग रहा था ए तो सब में कम है, सब कुछ ए ही बनाएगा, मगर ये तो डॉलर्स में है ना। ऐसे ही अगर और हाई एक्सचेंज हो गया, 1 डॉलर इक्वल टू 7.50, तो इस तरह की कॉस्टिंग हो जाएगी, तो केवल इसको 7.50 को कौन बनाएगा, ए, बाकी सब बी बनाएगा क्योंकि बी की कॉस्टिंग कम है। इस तरीके से एक्सचेंज रेट के हिसाब से उनमें जो चेंजेस आते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और उस डिफरेंस के हिसाब से कंपैरिजन किया जा सकता है हैशन ओलिन की थ्योरी के द्वारा। तो अगर नटशेल में देखें हम कि क्या क्या इनके काम थे, तो कंट्री इनने दो ली थी और रिलेटिव प्राइस देखा गुड्स का एक्स और वाई में हमने डिफरेंटली, कंपैरेटिव मार्केट की कंडीशंस, प्राइसेस और उनके एवरेज कॉस्ट देखे, ठीक है, कॉस्ट डिफरेंसेस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द फैक्टर प्राइसेस, ठीक है, फैक्टर प्राइस आर डिटरमाइंड बाई फैक्टर्स सप्लाई एंड डिमांड, फैक्टर की सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा फैक्टर के प्राइसेस। तो ओलिन ने ये बताया है कि उस रीजन को एडवांटेज है प्रोडक्शन में उस गुड का जिसके लिए वो जाना जाता है, या जो चीज़ उसके यहाँ ज़्यादा है। कंट्री ए अगर एक्स बना रही है तो वो एक्स को एक्सपोर्ट करेगी, है ना, जो उसके पास सरप्लस बचेगा। ऐसे ही कंट्री बी अगर वाई बना रही है तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगी जो उसके पास सरप्लस बचेगा। दैट्स इट, थैंक यू।